तो काफी के साथ काफी बुरा हो गया था। सी टी पार्टी अरेंज की थी हम, ये सेल्फ इनवाइटेड हैं हम लोग। क्या था, खाया पिया हजम किया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। एक का टाइम था और हम बना रहे थे भिंडी, और सोचा आपके साथ भी शेयर करें, और साथ में बन रहा था दानियाल का खाना। तो देखें जनाब, मैं पी रही थी इधर काफ़ी, मैं और भाभी, तो काफ़ी के साथ काफ़ी बुरा हो गया था कि ले आए थे हम कोल्ड काफ़ी बाई मिस्टेक। तो मैंने उसको हॉट कॉफ़ी बनाने की कोशिश की है, कोल्ड को हॉट करने की, तो वो जहर बन गई है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको बंदा कैसे पिए। मैं तो बस जी, शाम को ना हमारा भाभी तस्मिया, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उनके घर आने का प्लान बन गया। उनके घर का ये पोर्शन ना मेरा फेवरेट तरीन है, ये गवर्नमेंट के क्वार्टर्स हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, खुली जगह होती है, तो वो ज़रा बच्चों को लेके हम अक्सर इधर आ जाते हैं जब भी हमने कहीं बाहर जाना हो। एक और ले आइए दोस्तों, ये देखें, ये सेल्फ इन्वाइटेड हैं हम लोग। और ये इसको ये नहीं कहना इसको क्या हुआ है, दरअसल ये हुआ है कि ये पहले फ्राई किए थे, तो उसी ऑयल में हमने जब ये फ्राई किए तो उसके ऊपर ये खूबसूरत सा स्प्रिंकलर, इसको समझ लें, हमने वो कर दी है इसके ऊपर ना, वो आ गए हैं। और कोई नहीं, हमने खुद ही खाना है, नो नीड टू वरी। और ये देखें, ये अभी मैं खुद खाऊँगी, एंड ये देखें कितनी खिदमत हो रही है, ये रंज क्या उसको कहते हैं, हीर हीर की तरह पक्खियाँ जल रही है। ये देख, ये मैं आजकल पोटैटो डाइट में हूँ, और बाहर का मंजर कुछ ऐसे है और कुछ ऐसे है और ऊपर का कुछ ऐसे है। अंकल तो पतले से आपकी माशाल्लाह से ठीक है, अंकल ज्यादा स्मार्ट है। खाना खाएंगे बाइट से डिनर, हालांकि भूख नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि वो भाभी तस्मिया ने काफ़ी कुछ बना लिया हुआ था, तो वहाँ से हम राजपूत के आए थे, लेकिन सोचा कि चलें बाहर ही जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत जंकी जंकी थोड़ा सा। उधर दानियाल अपने मामू के साथ इंजॉय कर रहा था, तो इधर मैं और भाभी अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। मामा की ज़िंदगी किधर गई है, मुझे नज़र नहीं आ रही। दान ध्यान से इधर से नहीं उतरो, इधर से नहीं, दूसरी साइड से आना ना। यहाँ पर हमारा ऑर्डर आ गया था और हमने बस जल्दी जल्दी से इसको खाया, और प्लान ये था कि वापसी पे ना हमारे यहाँ पे मेला लगा हुआ है, पता नहीं क्यों गर्मियों में मेला लगाते हैं, हालांकि मेला सर्दियों में होना चाहिए, तो आग झूलों पे पता नहीं कैसे बैठ जाते हैं। ये देखे वापसी पे अब ये दिन आ गया कि मेले को हमने दूर से देखना होता है। बचपन में एक टाइम था कि चारों दिन मैं अपने पापा के साथ ज़रूर जाती थी, मुझे बहुत पसंद था, बहुत इंजॉय करती थी, और अब ये टाइम है कि बस गाड़ी में बैठ कर दूर से हम देख सकते हैं। ऊपर से गर्मी भी बड़ी थी तो बच्चे भी साथ थे, तो ज़ाहिर है रश बहुत ज़्यादा होता है, तो हम नहीं जा सके। तो ये रास्ते पे वापसी पे मैं रश देख रही थी, मैंने सोचा आप वीडियो बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर पूरे लंबी लाइन में स्टॉल्स थे खाने के, ये पकौड़े समोसे शमोसे, हमने पकौड़े शोड़े लिए थे यहाँ से। चले जनाब, आज के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मैं नहीं करना, अपने आप ही कटो भाई। ये हमारे बड़े भाई हैं जो अपनी छोटी बहनों को आम नहीं खाने दे रहे। नाज़रीन और हाज़रीन, वो पता नहीं किसी के हिस्से भी आता कि नहीं, ये देखे आम ऐसे खाया जा रहा है, एक चूजा इधर है और एक चूजा उधर है, बैठ के देख रहे हैं हम। ऊपर सिर्फ मैंगो पार्टी करने आए हैं, ये देखे, और इस बंदे ने आम भी ठंडे नहीं किए। मैंने समझा कि बर्फ इतनी डाली होनी है और इसने सिर्फ एक थोड़ी सी डाली है और वो ठंडी नहीं, काफी सारी सी यार।